नजर हेडलाइन पर। हॉस्पिटल में महिला मरीज के साथ किया गया रेप, स्पोर्ट टीचर ने चार छात्राओं से की छेड़छाड़। बिहार प्रेम प्रसंग के चलते युवक को घर में बुलाकर पीट पीट कर कर दी हत्या। अब खबरें विस्तार से। मेरठ के निजी हॉस्पिटल में भर्ती महिला मरीज के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज का मामला सामने आया है। आरोपी है कि नशीला इंजेक्शन देने के बाद तीन कर्मचारियों ने उसका रेप किया है। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस जांच में हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए हैं। पीड़िता ने डॉक्टर कंपाउंडर और एक महिला कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मेडिकल जाँच में फिलहाल रेप की पुष्टि नहीं हुई है। नौजंदी थाना क्षेत्र निवासी 29 वर्षीय महिला लीवर से सूजन की शिकायत के चलते शनिवार को गढ़ रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती हुई थी, तभी यह वारदात घटी है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। महाराष्ट्र के नाशिक भोसोला सैनिक स्कूल में एक शारीरिक प्रशिक्षक के चार छात्राओं से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। आरोपी सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी है। पुलिस ने यह जानकारी दी थी कि गंगापुर पुलिस स्टेशन के प्रशिक्षण के दौरान गलत तरीके से छात्रों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में कर लिया गया है। बिहार में नया भारगामा पंचायत में प्रेम प्रसंग में युवक को पीट पीट कर हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। मृतक 20 वर्षीय विनोद कुमार कटान दास टोला निवासी बिंदेश्वरी दास का पुत्र बताया जा रहा है। घटना रविवार की देर रात की बताई जा रही है। बताया गया है कि विनोद का गांव के एक ही लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि विनोद को साजिश के तहत घर में बुलाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी है। विनोद की लाश को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अररिया भेज दिया है। थानेदार विकास कुमार आजाद ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।